अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं UMT शॉर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कैमल्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ईद बहुत ही करीब है। जी हां जी, ईद बहुत ज़्यादा करीब है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऊंट के बारे में। ऊंट की दो किस्में होती हैं, एक होती हैं बैक्टेरियन कैमल्स जो कि नाउथ एरिया चाइना की तरफ पाए जाते हैं। ये खुले मैदान में पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। बहुत ही प्यारे, इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट से एनिमल्स हैं और इन्हें पालना बहुत ही आसान और मुश्किल भी है। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और बहुत ज़्यादा इन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। और ये अपनी देसी खुराक खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम सब जानते हैं 15 लाख, 30 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इनकी इस तरह से इनकी प्राइस होती है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने में लगते हैं अकॉर्डिंग टू बायर। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो बायर के हिसाब से प्राइस लगाई जाती है। हाँ, जब लेना हो तो बार्गेनिंग इंसान करता है तो 1 लाख या 20 हज़ार या 50 हज़ार छोड़े जाते हैं। तो इनकी जो प्राइस है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है, 3 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 10 लाख। और ये ज़्यादातर कराची के हाईवे कैटल मार्केट में पाए जाते हैं। कराची के सुपर हाईवे कैटल मार्केट है, वहाँ पे पाए जाते हैं। इन मवेशी मंडियों में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस एरियाज में पाए जाते हैं और इन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्हें वो ही बाय करते हैं। क्यों ना कि जो ये कैमल्स हैं, बैक्टेरियन कैमल्स हैं, इन्हें हम ईज़िली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये ठंडक में रहना पसंद करते हैं। और इनकी नेचुरल ही, जितना ये ठंडे एरिया में रहेंगे उतना ये ज़्यादा अच्छे परवरिश पाएंगे। तो ये इनके देसी फूड है, ये देसी हर एक चीज़ खाते हैं, इनका देसी मील होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट से हैं, बहुत लविंग, केयरिंग और टचिंग ये एनिमल है। द बैक्टेरियन कैमल इज़ एक्सट्रीमली वेल अडेप्टेड टू द हार्श डिजर्ट क्लाइमेट। द बैक्टेरियन कैमल फाउंड डिजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना एंड मंगोलिया। जी हाँ जी, तो मैं आज आपको जिस वीडियो के बारे में बता रही हूँ वो आप देख ही रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट से एनिमल है। जी हाँ जी, मैंने आज आपको वीडियो में कैमल्स के बारे में बताया जो है बैक्टेरियन कैमल्स। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और इन्हें हर कोई देखना पसंद करता है। जो से लोग हैं जो कि कुर्बानी ऊँट की करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बैक्टेरियन कैमल की कुर्बानी करना पसंद करते हैं और कुछ सिंपल वाले कैमल की कुर्बानी करते हैं। तो मैं आज जो स्पेशल आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ वो बैक्टेरियन कैमल के बारे में है। जी हाँ जी, तो आप देख ही रहे होंगे मेरी वीडियो में कितने प्यारे हसीन कैमल्स हैं। ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, मेहरून, वाइट, ग्रे एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये इस तरह के शेड्स में पाए जाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुनफरीद है। जो अमीर लोग हैं, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो इन कैमल्स को बहुत ही दिलो जान से बाय करते हैं, इनकी कुर्बानी करते हैं। मोस्टली मैंने लोग देखे हैं जो साबे हैसियत है वो ही इन कैमल्स को बाय करते हैं। जी हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कैमल्स के बारे में, इनके रहने के बारे में, इनके फूड के बारे में, इनकी नस्ल के बारे में। तो इस वीडियो में आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी कुर्बानी के लिहाज से। क्यों ना कि ईद कुर्बानी बहुत ही ज़्यादा करीब है। सऊदीया में चांद नज़र आ चुका है, पाकिस्तान में चांद नज़र आज आ जाना है। तो आप सब के लिए मैं ईद कुर्बानी की बहुत ही प्यारी सी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको जानवर के बारे में बता रही हूँ, इनकी प्राइस, इनका हर एक डिटेल। इनकी हाइट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, इंसान से काफ़ी बुलंद इनकी हाइट होती है। और जब ये गुस्से में आ जाते हैं, जी हाँ जी, जब ये अपने गुस्से में आते हैं तो ये बहुत बुरा अटैक भी करते हैं इंसानों पर। इसलिए इनसे ज़रा दूरी ही रखनी चाहिए, इनके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। जो इनके मालिक है वही इनके करीब जाएं, क्यों ना कि उन्हें पता होता है इन्हें किस तरह से टच करना है, किस तरह से इनकी देखभाल करनी है। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
आई होप आपको मेरी वीडियो में चैनल में ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।